आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी। एक फिल्म भारत के सिनेमा घरों के पर्दे पर आई है जिसका नाम है द कश्मीर फाइल। उसी को लेकर आज चर्चा होगी, क्योंकि कश्मीर क्या फिल्म का मुद्दा है, कश्मीर राजनीतिक मुद्दा है, कश्मीर क्या हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है, किस बात का मुद्दा है कश्मीर, इसको हम जानेंगे। और जिस तरह के कश्मीर की बात होती है पर कश्मीरियत की बात नहीं होती, वहाँ की अदब, वहाँ की संस्कृति, उसकी बात नहीं होती। देश आज़ाद होने के बाद कश्मीर में जो रह रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे सिख हो, उन पर क्या बीती है उसकी बात नहीं होती। वहाँ बेरोजगारी है, खेती नहीं है, उद्योग नहीं है, जन सुविधाएँ नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसकी बात नहीं होती। और इस तरह की जब फिल्म आती है तो इस पर चर्चाएं होने लगती है। और इसी पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर सुरेश खैरनार जी हमारे साथ है, जो कश्मीर से बहुत करीब से वाकिफ है, कश्मीरियत से वाकिफ है। भारत, पाकिस्तान, कश्मीर, इनके बीच में जो जद्दोजहद है कश्मीर को लेकर, उन सब राजनीतिक मुद्दों से बिल्कुल वाकिफ है, और इन्हीं मुद्दे पर आज चर्चा होगी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। जी नमस्कार। मैं खुद बहुत बार कश्मीर गया हूँ। अभी कोरोना के कारण 2 सालों से मेरा जाना नहीं हुआ, लेकिन उसके पहले लगातार 8 सालों का मेरा सफ़र रहा है। मैं भी थोड़ा सा वाकिफ हूँ कश्मीर से, कश्मीरी लोगों से, वहाँ की कश्मीरियत जिसको बोलते हैं। तो ना वो हिंदू अदब है, ना मुस्लिम अदब है, वो हिंदू मुस्लिम सिख बौद्ध मिलके जो संस्कृति डेवलप हुई है उसको वो लोग कश्मीरियत कहते हैं। इस कश्मीरियत के बारे में आप क्या कहेंगे? एक 14वीं-15वीं शताब्दी के दौर में जैसे महाराष्ट्र में भी संत परंपरा है, तो वैसे वहाँ पर भी जिनके नाम से आज हजरत लल्लन करके ऋषि थे, और वैसे ही उसी नाम की एक महिला ऋषि भी थी, योगिनी या जोगिनी, दोनों का कश्मीरियत वाली कंसेप्ट का कॉइन किया हुआ ये शब्द है। उसके पहले ऐसा, मतलब आज से 500 साल पहले, थोड़ा सा पीछे, जिनके नाम से चरारे शरीफ ये जो दरगाह बना हुआ है, वो लल्लन ऋषि, जो कहने के लिए हिंदू भी कहे जाते हैं, कोई मुस्लिम भी कहते हैं, कोई सूफी भी, जो कुछ है, तो ये लल्लन और लाली, ये दो लोगों का ये दिया हुआ ऐतिहासिक ये शब्द है, और जिसमें से फिर कश्मीरी भाषा, कश्मीरी जो भी कश्मीरियत आप जो पूछ रहे हैं, ये उसका संबंध आज से 500-600 साल पहले का है। और आज के वर्तमान कश्मीर में आप भी जाते हैं, हम भी जा रहे हैं, हम तो 1974-73 से, क्योंकि हम तो रहवासी थे कश्मीर के, क्योंकि मिसेस खैरनार की पहली पोस्टिंग केंद्रीय विद्यालय की कश्मीर से, तो उस हिसाब से हमारा तो पहले तो नौकरी या अपने निर्वाह के हिसाब से संबंध आया। और 74 की बात बोल रहा हूँ मैं, जेपी आंदोलन के दौर की, यानी 80 की भी पहले की बात बोल रहा हूँ। तब मिलिटेंसी, तब इस तरह का कुछ भी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा माहौल था कि दरवाजे भी आप अगर खाली, क्योंकि बिल्ली या कुत्ता न जाए इसलिए वो कुंडी लगा के निकल जा सकते थे, ये भी कश्मीर देखा है। और कुछ, मतलब दूर दूर तक ऐसा कुछ बू भी नहीं आ रही थी, ना उस जंग के आर्मी मूवमेंट्स थी ज़्यादा, इक्के दुक्के कहीं दिखते थे, और ना ऐसी कोई मिलिटेंसी शब्द भी हमने नहीं सुना था, वो भी कश्मीर हमने देखा है। और उसके बाद में 74 से लेके 2022-23 तक के दौर में, इन 40-45 सालों में हम कितनी बार गए, कौन कौन से ऑकेजन में गए, अभी लेटेस्ट बुरहान वनी के समय गए थे, फिर उसके बाद लॉकडाउन के पहले गए थे, और उसके बाद अभी 370 हटाने के बाद जब हम गए तो हमको दिल्ली एयरपोर्ट से वापस भेजने का भी अनुभव लेके बैठे। ऐसे बहुत अनुभव है कश्मीर के बारे में। जिस बुरहान वानी की बात आप कर रहे हैं, उसके इनकाउंटर के कुछ ही दिनों में हम खुद भी वहाँ कश्मीर के हालात देख रहे थे, हम खुद कश्मीर में थे, हम खुद जो हिंसा भड़क गई थी तब वहाँ ऐसे थे। ये जब हम कश्मीरी लोगों से बात करते हैं या उनसे संबंध बनाते हैं, उनके घरों में जाते हैं,
तो कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि ये लोग इतने हिंसक है। फिर मीडिया और सारी चीज़ें इनको इतना मिल्टन, इनको आतंकवादी, इनको अलगाववादी ऐसा बता के प्रमोट करते हैं, इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? ये राष्ट्र सेवा दल नाम का एक संगठन है जिसका मैं 2019 तक अध्यक्ष था। तो ये मैं राष्ट्र सेवा दल की तरफ से बुरहान मणि की हत्या के बाद भारत का या विश्व का सबसे लंबा बंद जो चला था 110 दिन हो गए थे, और मैं 1 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक कश्मीर में इस परिस्थिति का आकलन करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए गया था। इसमें कम से कम 10 से 15 पन्नों का मेरा कश्मीर डायरी है 1 अक्टूबर से 12-13 अक्टूबर तक 2016 के अगस्त में बुरहान मणि नाम का एक 23 साल का लड़का, जो शायद 3 या 4 साल पहले उसके बड़े भाई की हत्या होने के गुस्से में घर से निकला। दिखने में सुंदर था क्योंकि वो एक मुख्याध्यापक परिवार का बच्चा था। उसके पिताजी शायद अब रिटायर हो गए होंगे, लेकिन जब मैं मिला था तब उनका 2 साल का सर्विस बाकी था। अब शायद कोविड के दरमियान वो रिटायर हुए होंगे। बिल्कुल। तो बहुत ही दिखने में मैंने उनके पिताजी को भी देखा, बहुत सुंदर थे। और मैं जब मिला तब वो जस्ट श्री श्री रविशंकर के यहाँ से बंगलोर से अपनी डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट लेके आए हुए थे, क्योंकि बुरहान मणि की हत्या के बाद उनका शुगर 400-500-600 तक चला गया था। तो उनको स्पेशली श्री श्री रविशंकर ने अपने खुद के खर्चे से बुलाया था और खुद के खर्चे से उनको ट्रीटमेंट करके वापस भेजा था। और उसके बाद हमारी मुलाकात हुई है, एक देहात में रहती श्रीनगर के आगे, और जम्मू स्टेट के एजुकेशन डिपार्टमेंट के किसी स्कूल के वो हेडमास्टर थे। ये उनका 3 बेटे, उसमें से 1 बेटा मारा गया, ये दूसरा, तो 2 बेटे मारे गए और तीसरा भी बेटा था जो सबसे छोटा था। तो उन्होंने जो कहा है मीडिया में कि मैं कश्मीरियत के लिए मेरे 3 बेटे कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ, ये भी उनका जज्बा रहा है, जो श्री श्री रविशंकर के भी पर्सनल कॉन्टैक्ट में के लोगों में से एक आदमी की मैं बुरहान मणि के पिताजी की बात कर रहा हूँ। तो बुरहान मणि के बारे में मैंने देखा कि वो फेसबुक बॉय के रूप में मैंने इसमें सवाल उठाया है। वो घर से निकला, उसके बाद से मारे जाने तक वो कश्मीर का सचिन तेंदुलकर या सलमान खान या शाहरुख खान सबसे चर्चित के दर्जे का हीरो बन गया था। वो कश्मीर के सभी युवा युवतियों के दिलों पर राज करने जैसा बन गया था। तो आपने अच्छा किया मुझे छेड़ा। आज भी मैं पहली बार टीवी पर सवाल कर रहा हूँ कि बुरहान मणि को 3 साल तक इस ढंग से कंटिन्यू बगैर इंटरप्शन से होने देने का मतलब क्या है? आपने आज जिस सिनेमा के ऊपर, जो कि मैं सिनेमा नहीं मानता, वो डॉक्यूमेंट्री है, उसके ऊपर बोलने के लिए बुलाया है, तो उसके ऊपर की चर्चाओं के भी ऊपर के क्रिटिक फेसबुक में रोके जा रहे, जो कल मैं भुक्तभोगी हूँ जी। मेरी पोस्ट अभी भी हैंगिंग पोजीशन में है, मेरी भी पोस्ट हैंगिंग, और फेसबुक बोल रहा है कि ड्यू टू सम टेक्निकल वी विल रिजॉल्व योर प्रॉब्लम। चालाकी देखिए, और वो प्रॉब्लम मैं दोबारा कंप्लेन लोड कर रहा हूँ। अभी तक मैं 1 दर्जन बार कंप्लेन लोड कर चुका हूँ। जैसे ही वो पोस्ट मेरी आती है और वो कह रहे रिग्रेट, और मैं दोबारा लिख रहा हूँ, ऐसा कंट्रोल्ड फेसबुक बुरहान मणि के लिए इतना ओपन कैसे था? मैं 2016 की बात कर रहा हूँ प्रीतम जी, जब वर्तमान प्रधानमंत्री, वर्तमान गृह मंत्री, दे आर वेरी मच इन पावर, ये 2013-14 से आके बैठे हुए है। 2 साल हो चुका था, उसके बाद 1 साल के पश्चात, 2019 में इन्होंने 370 एबॉलिश किया, लेकिन उसके बीच की मैं बात कर रहा हूँ। तो मेरा ये सवाल है जो मैंने इसमें भी उठाया है कि 3 साल तक ये फेसबुक बॉय एक हीरो के तौर पे इसको प्रोजेक्ट होने देने का क्या राजनीति थी, और फिर एक दिन अचानक उसको मारने का भी काम होता है, उसका इनकाउंटर हो जाता है। क्योंकि ये जो है ये आईबी के भी चीफ रहे हैं, ये रॉ के भी चीफ रहे हैं, और इनका नाम है AS दुलात, या अपन दौलत भी कह सकते हैं। ये 35-36 साल की IPS की सर्विस सिर्फ IB और रॉ में करके निकले हुए ऑफिसर है,
और जिनकी कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स ये नाम की ये किताब है। और इस किताब के भी हवाले से मैं कह रहा हूँ कि मिलिटेंसी का जो पॉलिटिक्स है वो ISI का हो या IB CBI रॉ का हो, ये कैसा एक साथ शुरू हुआ नहीं, मिली भगत से चलता है ये पूरा डिटेल। ऐसा कुछ भारतीय इंटेलिजेंस सर्विस के बारे में, पाकिस्तान इंटेलिजेंस सर्विस के बारे में तो बहुत पहले से हमको मालूम था, वहाँ के प्रमुख रह चुके आदमी की किताब भी है, लेकिन ये भारतीय इंटेलिजेंस सर्विस में से इंटेलिजेंस सर्विस की खुद की कर्तृत्व के ऊपर में लिखी गई ये पहला दस्तावेज मेरे हाथ में लगा है। और ये लेने के बाद मैंने तुरंत बम्बई में इनके ऊपर कार्रवाई की मांग की थी, और इनको पूछा भी गया था कि डॉक्टर खैरनार नाम के एक एक्टिविस्ट है, तो बोले आई एम रेडी टू फेस एनी केस ऑन मी, क्योंकि ये सब वो डायरेक्ट उन मिलिटेंट लोगों से, उन आउटफिटों से, उन सब लोगों से बात करके वे आदमी हैं जिनका ये ड्यूटी का पार्ट था। वो कोई पर्सनल कैपेसिटी से नहीं मिलते थे, ये पार्ट ऑफ हिज ड्यूटी। और इनके कैसे फ्रेंडली संबंध थे इन सब लोगों से, यहाँ तक आज मेरी ही उम्र का, शायद स्विट्ज़रलैंड या किसी यूरोपियन कंट्री में बैठा हुआ एग्जैक्टली मेरी उम्र का, जो भारत का पहला प्लेन हाईजैकर है, जिसके साथ वो वहाँ पर एक या दो दिन बाकायदा यूरोप में बात करके आए हुए, पार्ट ऑफ ड्यूटी। हम लोगों को लगता है ISI IB CBI ये सब शत्रु पक्ष के लोग हैं, एक दूसरे के आग में आग भी नहीं मिलाते होंगे, बिल्कुल गलत। इनका बढ़िया से एक दूसरे के साथ में उठना बैठना है, सब कुछ है, आदान प्रदान है, जानकारी का आदान प्रदान है, और दुनिया भर की कई चीज़ों की ऐसी बातें दुलाद साहब ने इसमें लिखी गई है। ये नहीं लिखे होते हम लोग बोल ही रहे थे, लेकिन ये जब एक ऑथेंटिक उस पद पर रहे हुए आदमी, जैसे मैं मुशरिफ साहब का नाम लेता हूँ कि वो DIG पद पर रहे हुए आदमी थे जो उन्होंने वकील करके लिखी है, जैसे RB श्रीकुमार का उल्लेख किया पिछली बार के गुजरात के चर्चे में, वैसे ही दुलाद साहब जो है ये रॉ के चीप रहे हैं। आखिरी असाइनमेंट इनका रॉ का है, जिस किताब का आज के जिस चर्चा में आप आगे जाने वाले हैं उसमें भी मेरे अलावा भी कई लोग इसका हवाला करके इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, जो चर्चा में एक किताब प्रकाशित होने के चंद दिनों के भीतर जब मैंने इसको अमेज़न से मंगवाया, ये प्रकाशित हुई है 2015 में फर्स्ट पब्लिश, और ये मैंने 2015 की ही चंद दिनों के भीतर इसको हार्पिन कॉलिन से मैंने मंगवाई है, और आज 2022 में मैं बात कर रहा हूँ, तो 7 सालों के भीतर मैं इस किताब का, देख रहे होंगे कितनी मैली कुचेली हो गई, इसको मैं सतत अपने बैग में कैरी करता हूँ, और इसका हवाला दे दे के पब्लिक डिस्कोर्सेस में, डिबेट्स में, TV डिबेट्स में, हर जगह में मैं बोलते रहता हूँ कि ये सब जो लोग है, ये नंदिता हक्सर है, इन्होंने द मैनी फेसेस ऑफ कश्मीरी नेशनलिज्म करके फ्रॉम द कोल्ड वॉर टू द प्रेजेंट डे, ये नंदिता अक्सर PN अक्सर की बेटी है, ये खुद भी कश्मीरी पंडित, ये कश्मीरी पंडितायन है। इनके पिताजी PN अक्सर JNU के पहले चेयरमैन थे, JNU की स्थापना जो की गई, जो आप सिनेमा में बाद में पूछने वाले हो, उसके संस्थापक अध्यक्ष रहे हैं, और ये उनकी बेटी है जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है, हमारी दोस्त है, मानवाधिकारों के ऊपर काम करती है, और सी इज़ वेरी मच कश्मीरी पंडित फैमिली। बिल्कुल, मैं रोकूंगा क्योंकि हम तो फिल्म पे चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले बहुत महत्वपूर्ण है जिस तरह से आपने रॉ की बात कही, आपने IS की बात कही, तत्कालीन सत्ताधारी जो थे, एक सवाल उठना चाहिए जहन में और वो बार बार पटल पे आना चाहिए, वो ये है कि जब एक फ्लाइट हाईजैक हो जाती है भारत से, तब सरकार जो होती है BJP की होती है, जब भारतीय संसद में हमला होता है, आतंकवादी अंदर तक घुसते हैं, तब भी सरकार BJP की होती है, कारगिल में बॉर्डर्स पर पाकिस्तानी सेना बिल्कुल आराम से आकर भारतीय सीमा में प्रवेश करती है, तब भी सरकार BJP की होती है, और कसाब जैसे आतंकवादी घुसते हैं मुंबई में, हिंसा करते हैं, तब भी सरकार BJP की ही होती है। ये सब मसला सोचने वाला है, आप इस पर अपनी राय क्या रखेंगे? आपने इसके पहले के सवालों में
खुद ही कहा था कि वर्तमान सत्ताधारी दल कांग्रेस के समय की सब बातों की इंक्वायरी की मांग कर रहा है जी, मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं कांग्रेस की भी और जनता पार्टी की भी समय की, ये बीजेपी के समय की घटना है, पंडितों के पलायन की, वीपी सिंह के समय की बीजेपी समर्थन वाली सरकार की, मैं 75 साल के भीतर 1947 15 अगस्त के बाद से महात्मा गांधी की हत्या से लेके 17 मार्च 2022 के बीच में जो जो कुछ घटनाएं हुई है, हर घटना की जांच के मैं मांग कर रहा हूं, इंक्लूडिंग बुरहान वानी की हत्या, इंक्लूडिंग अफजल गुरु की फांसी, इंक्लूडिंग पार्लियामेंट अटैक, इंक्लूडिंग कसाब का भारत में आना, इंक्लूडिंग चरारी शरीफ बिल्कुल जिसको जलाया गया, इंक्लूडिंग हजरत बल का गायब करना, मैं हर तरह की बाबरी मस्जिद को गिराने से लेके अभी सब बातें बहुत महंगी पड़ेंगी बिल्कुल, वो जो बात दूर तक चली जाएगी, ये जुमला यहाँ भी इस्तेमाल हुआ है, बात निकली बात तो दूर तक दूर तक चली जाएगी, ये दुलाद साहब की किताब का पहला सेंटेंस है, हाँ उनका चैप्टर ही है बात बहुत दूर तक चली जाएगी इस नाम का। तो मेरी इस बहाने बिल्कुल मैं जितनी भी इंक्वायरीज किया हूँ, नांदेड़ नागपुर आर एस हेडक्वार्टर टू मालेगांव दोनों ब्लास्ट को, हर इंक्वायरी में मेरा आखिरी सेंटेंस रहता है प्रीतम जी कि इन सबको क्लब करके इनके एक साथ इंक्वायरी होनी चाहिए, बिल्कुल तटस्थ रूप से ऐसे जजेस या ऐसे लॉयर्स या ऐसे एक्सपर्ट लोग या पत्रकार या एक्टिविस्ट जो कोई हो जो निष्पक्ष रूप से आज़ादी के 75 साल के दरमियान जो जो हमारे देश को कमज़ोर करने की कोशिशें जो की गई है उन सब की इंक्वायरी करने की मांग मैं आज इस बहाने दोहरा रहा हूँ, इंक्लूडिंग कांग्रेस। मेरी कोई कांग्रेस की भी प्रति सहानुभूति नहीं है, न किसी वीपी सिंह के प्रति है, न किसी चंद्रशेखर के, न किसी गुजराल के, न किसी देवेगौड़ा के, न किसी मुरारजी देसाई के। मैं वो आदमी हूँ जिस आदमी ने आज तक जिंदगी में किसी पॉलिटिकल पार्टी का दामन थामा नहीं, न थामने वाला हूँ। मैं एक इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट हूँ जो दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश में लगा हूँ, और मेरी मुख्य कोशिश रहती है दबे कुचले अल्पसंख्यक दलित महिला आदिवासी समुदायों को न्याय दिलाना। इसलिए उस हिसाब से अगर भारतीय जनता पार्टी अगर ये मांग कर रही है, क्यों कांग्रेस की क्यों नहीं, आप तो 14 साल राज कर रहे, 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी के, 8 साल आपके अभी हो रहे आने वाले मई में, तो 14 साल का आपका भी हो जाने दो हिसाब किताब, पिछला वीपी सिंह के समय का भी हो जाने दो, जब जगमोहन को भेजा गया था 19 जनवरी को 1990 के दिन, और फारूक अब्दुल्ला इमीडिएट इस्तीफा दे के बाहर हो गए थे उसी कश्मीर के मुख्यमंत्री पद से, और इस लेखक को तुरंत हटाया गया था वहाँ से, ये वहाँ पर सीबीआई में थे, ये खुद लिख रहा है इसमें कि जगमोहन आने के तुरंत बाद जो ट्रांसफ़र किए गए उसमें मैं भी एक था कि इनको ये सब ऑपरेशन करना था जिसके ऊपर ये अग्निहोत्री का जो आप अभी आने वाले इंटरव्यू में पूछने वाले हो, ये खुद उसमें लिख रहे हैं, तभी इनको मालूम नहीं कि कोई अग्निहोत्री इस बात पर फिल्म में लिखेगा और हमको क्यों हटाया गया, इनको खुद को नहीं पता था, लेकिन इसमें लिख गए कि जनवरी 19 से आने के बाद में जगमोहन के निर्णयों में एक निर्णय मेरे को कश्मीर छोड़ने का आदेश है। अब हम आते हैं फिल्म, इसको मैं फिल्म नहीं कहता हूँ, आपने उसको डॉक्यूमेंट्री कहा, मैं इसको प्रोपोगंडा कहता हूँ कि इस तरह के प्रोपोगंडे आते हैं। मैंने कल रात 2:30 बजे तक जाग कर इस फिल्म को देखा है, समझने की कोशिश की है, जितना मैं समझ चुका हूँ या समझना चाहता था, मुझे ये फिल्म कश्मीर मुद्दे पर बिल्कुल नहीं लगी। ये द कश्मीर फाइल्स नाम से है, लेकिन इसमें फाइल्स को जो अनेक वचन है इसको हटा देना चाहिए और ये सिर्फ द कश्मीर फाइल, क्योंकि इसमें एक पंडित, सिर्फ एक और एक पंडित, उनकी घर पे जो समस्या है या उनके साथ जो हिंसा हुई उसी पर केंद्रित है, और इसको फिर प्रोपोगंडा बना के उसको बाकी पूरे समाज के साथ, हिंदू समाज के साथ जोड़ने का काम अग्निहोत्री ने किया है। इस फिल्म के ज़रिए से हम लोग चर्चा कर रहे हैं, मैं आपसे ये पूछूंगा कि इस तरह की फिल्म आना, उसको इस तरह से आरएसएस बोलेंगे या हिंदू संगठना बोलेंगे, इसको प्रमोट करना, क्योंकि इसके पहले भी एक फिल्म इसी सब्जेक्ट पर आ चुकी है और उस फिल्म को कभी प्रमोट नहीं किया गया, क्योंकि वो फिल्म हिंदू बनाम मुस्लिम नहीं थी या मुस्लिम बनाम हिंदू नहीं थी। तो इस तरह की फिल्में जो आती है जो हिंदू मुस्लिम कर
समाज में द्वेष फैलाने का काम करती है, आप इस पर क्या कहेंगे? विधु विनोद चोपड़ा जी, जिनकी वो फिल्म की आप बात कर रहे हैं, वो खुद कश्मीरी पंडित है। बिल्कुल, वो आई गई हो गई। ये जो विवेक अग्निहोत्री जो है, ये सबसे पहली बात इनका बायोडाटा मैं बता दूं, ये नरेंद्र मोदी के समर्थकों में से एक है जी। इनका जो फिल्म को प्रमोट करने के जो यूट्यूब पे जो चल रहे भरमार चल रही, उसी का हवाला देके मैं बोल रहा हूँ, मैं अपने हवाले से नहीं बोल रहा, क्योंकि अग्निहोत्री नाम के लोग बहुत होते हैं। ये विवेक अग्निहोत्री पे नाम मैंने कभी सुना होगा, कोई इतना बड़ा नाम ही नाम मेरे को मालूम नहीं था। पल्लवी जोशी को मैं ज़रूर जानता हूँ, क्योंकि वो छोटी बच्ची थी तब से उसको सीरियल्स वगैरह में मैं देख रहा था। बिल्कुल, अच्छी अभिनेत्री, मुझे पसंद भी है। ये दोनों पति पत्नी है, ये भी मुझे इस फिल्म के प्रमोशन के बाहर नहीं पता चला, तब तक मुझे भी नहीं मालूम। तो पल्लवी जोशी और अग्निहोत्री पति पत्नी है? पति पत्नी है। और इस फिल्म को 19 जनवरी 1990 का ये लाइन डेड लाइन या लाइन से शुरू होता है, और विवेक अग्निहोत्री ये कांचगौड़ा ब्राह्मण कश्मीरी पंडित जो बड़ी संख्या में इस्लाम में शामिल होने का भी एक इतिहास वगैरह भी बता रहे हैं। हाँ, और उसके बाद में मस्जिदों में घोषणा की गई और क्या क्या वगैरह वो सब उसमें दिया गया है, जो कि वैसा मुझे वहाँ पर प्रत्यक्ष जाने के बाद में ऐसा नहीं दिखा। 19 जनवरी ये वो दिन है जिस दिन दिल्ली से सक्सेना साहब की जगह पर जगमोहन नाम के, जो कि ये जगमोहन वो कॉन्ट्रावर्शियल DDA के ऑफिसर है, IAS है, जिनको DDA के समय आपातकाल में मुसलमानों के घरों को तोड़ने का पाप इनके सर पे है, ये एंटी मुस्लिम है। इन्होंने किस ढंग से उस समय DDA के चेयरमैन के तौर पे काम किया, वो सब इतिहास एक तरफ मौजूद है। इसी क्वालिफिकेशन पे इनको 1982 में भी इनको राज्यपाल बन के भेजा है। ये पहली बार नहीं गए थे, जगमोहन सेकंड टाइम राज्यपाल बनाए गए 1990 19 जनवरी के दिन, ये VP सिंह के प्रधानमंत्री काल में। ये VP सिंह जो BJP की कृपा से प्रधानमंत्री पद पे बैठे थे, ये BJP सपोर्टेड प्रधानमंत्री थे, और BJP ने ये बार्गेनिंग करके जगमोहन को कश्मीर भेजने की साजिश की है VP सिंह से। और गृहमंत्री कौन थे? मुफ्ती मोहम्मद सईद थे। और उस काल में ये लेखक खुद लिख रहे कि मेरी 18 जनवरी को ये आने के बाद में 19-20 जनवरी से मुझे दिल्ली वापस हेडक्वार्टर भेजा गया, मुझे कश्मीर में नहीं रखा, क्योंकि ये एक सेकुलर क्रेडेंशियल्स के एक धर्मनिरपेक्ष विचारधारा वाले ऑफिसर है। हालांकि ये खुद वर्तमान पाकिस्तान से सियालकोट से माइग्रेटेड फैमिली के बच्चे हैं। इनके पिताजी वहाँ सियालकोट के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे, ये उनके साहबजादे हैं। तो ये तो पाकिस्तान से आए हुए हिंदू है, और इसके बावजूद इनका इंडियन पुलिस सर्विस में, जैसे रिबेरो साहब है, जैसे और भी कई सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं जिनका आज नाम लिया जाता है, वैसे दुलात साहब है। और इन्होंने लिखा कि मेरे को जगमोहन जी ने आने के बाद जिन लोगों को हटाया गया उसमें एक मैं भी हूँ। ये ऑपरेशन जिसके ऊपर ये फिल्म आधारित है, एक वर्षन टोटल, जिसका कि एक पूरी 3 घंटे की फिल्म में एक शब्द से अगर जगमोहन नाम नहीं है, तो इस पूरे ऑपरेशन में जगमोहन वाज अ मेन कल्प्रिट। जगमोहन ने खुद जाकर कश्मीरी लोगों को, पंडितों को कहा कि कुछ देर के लिए आप लोग निकलिए बाहर, मुझे बम्बार्डिंग करनी है और मुसलमानों का, क्योंकि ये RSS की शाखा के प्रोडक्ट है। तो इनका ये इरादा था, इनको मई के पहले सप्ताह तक जब इनका ये रंग दिखा तब इनको सैक भी किया गया, यानी 125 भी दिन नहीं हुए थे इनको राज्यपाल बन के, उसके भीतर इनको वापस बुलाने का, ये भी हिस्ट्री है। जगमोहन का जब ये काफ़ी हल्ला होने लगा, पार्लियामेंट पे डिबेट होने लगा, मीडिया में पूरा आने लगा, तो कश्मीरी पंडितों का ये जो माइग्रेशन कहिए, पलायन कहिए, जो कुछ जिसके ऊपर ये फिल्म बढ़ा चढ़ा कर उसका जो कुछ उन्होंने एक, तो इसको मैं फिल्म नहीं बोलूँगा, ये डॉक्यूमेंट्री है, तो ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज कई बातों के ऊपर बनती है।
वियतनाम के भी ऊपर है, बाबरी मस्जिद के भी ऊपर है, गुजरात नरसंहार के भी ऊपर है। ये जो फाइल्स शब्द जो लिया गया है वो राणा आयुब की किताब से चुराया हुआ शब्द है। ये गुजरात फाइल्स वाली सिनेमा अगर बनेगी तो मैं उम्मीद करूंगा कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और पूरा संघ परिवार उसी शिद्दत से उसकी भी अभिव्यक्ति की आज़ादी का समर्थन करे। पब्लिक डोमेन में ये मांग उठ रही है कि राणा आयुब की जो फिल्म है गुजरात फाइल्स, उस पर भी इस तरह की फिल्म बननी चाहिए। और ये फाइल शब्द जो है अग्निहोत्री ने उसी से आधा शब्द जो चुराया, गुजरात की जगह कश्मीर लगा दिया और फुल कॉन्सनट्रेट करके उस एक परिवार की घटना के इर्द गिर्द में जो ताना बाना बुना है, ये वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नाकामी अभी को छुपाने के लिए पूरा जो डिस्कोर्स है देश का, जो कि इतनी नालायकी के बावजूद ये हिंदुत्व के एजेंडे के कारण, मंदिर के और दुनिया भर के क्या क्या चीज़ों के कारण आज तो भी भले 275-76 ही सीटें लाए होंगे, लेकिन आज यूपी में और अन्य चार राज्यों में वो चुनाव जीतने में कामयाब हुए हैं। तो उन्हें ये भ्रम है भारतीय जनता पार्टी को या संघ परिवार को, वो जिंदगी भर हिंदू मुसलमान का खेल कर करके वो आने वाले शायद और भी 25 साल का टारगेट है आने वाले 25 नहीं 100-150-1000 साल भी बोल लीजिए, उन्हें ये लग रहा कि इसी ध्रुवीकरण की राजनीति के ऊपर उनकी नैया चली जाएगी। महंगाई आकाश को छूने दो, दुनिया भर के कोरोना में लाखों लोग मरने दो, और भी कुछ बातें जो भी कुछ है देश की रोजमर्रा की, उसका कोई मतलब नहीं। सिर्फ हिंदू मुसलमानों का जो आज होली का दिन है, कल लोग भांग खाते हैं, नशा, तो ये जो धार्मिक नशा दे देकर लोगों को सुलाने का लंबा नहीं चलेगा। बिल्कुल, आप धार्मिक नशा की बात कर रहे हैं। इस पूरे फिल्म में कश्मीरियत, जैसे मैंने कहा, उसका कोई जिक्र नहीं है। कश्मीर की मुख्य समस्या, उसका कोई जिक्र नहीं है। एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान की भी सीमा है, एक तरफ चाइना की सीमा है और एक तरफ इंडियन आर्मी भी वहाँ मौजूद है, और इन सब के बीच कश्मीरियत जो है, कश्मीर के लोग हैं, उनके जो व्यक्ति स्वतंत्र है, उनके जो व्यक्तिशा अधिकार है, संविधान ने दिए हुए अधिकार है, जन सुविधा नहीं है, इन सब बातों को दरकिनार कर इस फिल्म में सिर्फ 370 की बात कही गई, और वहाँ पे जो पंडितों का पलायन है और उन पर जो अत्याचार हुए वहाँ के, और ये बताया गया कि वहाँ के मुस्लिमों का भी उनमें हाथ था, कश्मीर लोगों का, कश्मीरी लोगों का हाथ था। आप तो नज़दीक से जानते हैं 370 और इस चीज़ का क्या मतलब है और इस तरह से क्यों दिखाया गया होगा। सबसे पहले मैं ये बता दूँ आवाज़ इंडिया के प्रेक्षकों को, पलायन में सिर्फ कश्मीरी पंडित नहीं है, मुसलमान भी है। 125,000 मुसलमान है जिनको वैली से भागना पड़ा है, ताकि वो जो भी कश्मीरियत की या आज़ादी की या जो कुछ एक्स वाई जेड मांगे हैं उसका वो समर्थन नहीं करते। तो ऐसे भी लोगों को अपनी जान बचाने के लिए ये जो एक्सोडस हुआ है या जो पलायन हुआ है या जो छोड़ना पड़ा है, तो इसमें और सबसे आश्चर्य की बात, 300 पंडितों का आंकड़ा निकलता है मरने वालों में, और कम से कम 2-3 हज़ार मुसलमानों का आंकड़ा है मरने का। आंकड़ा 300 का हो या 200,000 का हो या 1,00,000 का हो या 2 का हो, गलत मरना मारना गलत है, लेकिन इसके सब चीज़ों के बावजूद भी मरने वाले मुसलमानों की संख्या क्यों ज़्यादा है, जो कि ये लॉयर मोहतरमा हैं, इनकी पूरी किताब कश्मीर के मानवाधिकारों के उल्लंघन के बारे में, और ये जो दूसरे जो पीर गियासुद्दीन नाम के अंडरस्टैंडिंग द कश्मीर इंसर्जेंसी, कश्मीर के भीतर जो आतंकवाद जो बोला जाता है, ये इसके ऊपर का ये लिखी हुई किताब है जो मैं श्रीनगर से ही लाया हूँ, वहाँ के ही दुकान में मैं और लाया हूँ 2006 में। जब मैं 2006 में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और पुनून कश्मीर, कश्मीरी पंडितों के सौ दोनों संगठनों के निमंत्रण पर मैं गया था, मेरी जाने की डेट है मई महीने में मैं कश्मीर गया हूँ, और उस समय मैंने और भी नज़दीक से 6 यानी आज से 14 साल पहले 2006
तो 14-15 साल पहले का भी नज़ारा मैं और कह दूँ आपको। और कश्मीर के दो प्रमुख कंपोनेंट्स, एक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस मीरवाइज़ उमर फारूक वाली जिसको मॉडरेट बोलते, और दूसरी पुनून कश्मीर जो कश्मीरी पंडित का प्रतिनिधित्व करती है। हालांकि कश्मीरी पंडितों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन और भी है। दुख की बात यह है कि कश्मीरी पंडितों का कोई एकमात्र संगठन नहीं है, उसमें 2-3-4 प्रकार के संगठन हैं। तो ये पुनून कश्मीर जिसके नेता डॉक्टर अग्निशेखर है, जो पोएट भी है, जिनको साहित्य अकादमी के अवार्ड भी मिले हैं, काफ़ी जगह बुलाए भी जाते हैं, उनके अनुवाद भी हुए हैं, इसी शहर नागपुर में डॉक्टर अग्निशेखर और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता पहली बार यहाँ पर आए थे, जो हम लोगों ने एक यहाँ पर इंडिया पीस सेंटर में एक गोष्ठी की थी, उसमें ये लोग आए हुए थे। तो मुख्य मुद्दा कश्मीर वाला ये जो मसला है, ये पूरा ये किस ढंग से कॉम्प्लिकेटेड है, आज से नहीं, 14 या 15 अगस्त 1947 की बात है। उस सब को इग्नोर करके अचानक आप 1990, अचानक आप 2006, अचानक आप ऐसी कोई तारीखें निकाल के अगर बात करते हैं तो इससे हम कहीं नहीं पहुंचने वाले हैं, क्योंकि ये मुद्दा इतने सालों का पुराना है, जो कि 80-90% मुस्लिम आबादी का है, तब भी आज भी। एक ज़माना तो ऐसा था कि सिर्फ 3% या 2% हिंदू थे इतिहास के क्रम में, अब शायद 10-15% है, क्योंकि जम्मू के एरिया में कॉन्सनट्रेट हो गए और जम्मू कश्मीर बोला जाता है इसलिए। तो इसलिए आबादी का जो प्रपोर्शन है 1500 सालों का, वो यही है कि 80-90% मुसलमान और 10-20% भी हिंदू नहीं है, क्योंकि उसमें बुद्धिस्ट है, उसमें सिख है, भी है, उसमें कुछ थोड़े से क्रिश्चियन भी है, ऐसा नहीं कि टोटल हिंदू ही है। ऐसे कश्मीर को आप इस ढंग से जो प्रोजेक्ट करते हो, दुख की बात यह है कि लोग कश्मीर फाइल देख लेंगे, लोग कोई एक आधी और फिल्म भी देख लेंगे, लेकिन ये सब चीज़ें पढ़ने का, ये सब चीज़ों की तरफ जाने का किसी का भी मानस नहीं होता है। ये सब चीज़ें अगर लोग देखेंगे, बलराजपुरी से लेके ये दुनिया भर के लोगों का, ये बलराजपुरी है, ये वो बलराजपुरी है जो 19 जनवरी 1990 के बाद की घटना की जांच के लिए बनाए गए कमेटी के चेयरमैन थे, ये वो बलराजपुरी है जो सोशलिस्ट थे, जो कश्मीर टाइम्स के संस्थापकों में से, आपने कश्मीर फाइल्स में कश्मीर टाइम्स अखबार के गोद में लिए हुए अपने शूटिंग में देखे होंगे, उस कश्मीर टाइम्स के ये संस्थापक संपादक रहे हैं, वो बलराजपुरी के हवाले से मैं कह रहा हूँ। वो बलराजपुरी क्रोनोलॉजिकल आखिरी पन्ने में कश्मीर की एक एक घटना के बारे में वो बता रहे हैं, क्रोनोलॉजी ऑफ इम्पोर्टेंट इवेंट्स इन कश्मीर 1586 अकबर अनेक्सेस कश्मीर टू हिज मुगल एम्पायर, 1846 जम्मू एंड कश्मीर स्टेट क्रिएटेड अंडर द ट्रीटी ऑफ अमृतसर बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड राजा गुलाब सिंह ऑफ जम्मू हु बिकम द रूलर ऑफ द न्यू स्टेट ऑन परमानेंट। 75 लाख रुपए में गुलाब सिंह ने कश्मीर को अंग्रेज़ों से 1846 आज़ादी के 101 साल पहले खरीदा हुआ था अंग्रेज़ों से। सिखों से वार हुआ 1846 में, उस वार में गुलाब सिंह ने अंग्रेज़ों का समर्थन किया, जो कि ये रंजीत सिंह का सरदार था, इसने अंग्रेज़ों से हाथ मिला लिया, एक तरह से धोखा दिया रंजीत सिंह को या सिख राज को, और इस ढंग से इसने कश्मीर अपने जेब में डाल लिया। यानी कश्मीर को अपनी जेब में डालने की शुरुआत ही बेईमानी से है, ये इतिहास बता रहा है। 1931 बिगिनिंग ऑफ ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल मूवमेंट इन कश्मीर, 1931 आज़ादी के भी पहले, 16 साल पहले की बात बोल रहा हूँ। 1932 शेख मोहम्मद अब्दुल्ला सेटअप ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, 1939 द मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बिकम द नेशनल कॉन्फ्रेंस 1939, और
इंटरेस्टिंग नाम आ रहा है, 1982 के 2 फरवरी को, जून 2 फरवरी, जगमोहन सोन एज ए गवर्नर, वो कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर जो दिल्ली के जामा मस्जिद के आसपास के मुस्लिम लोगों को ऊपर बुलडोजर चलाने में, जिनका पहली बार नाम आया था अखबारों में, पहली बार हमने जाना था, रजिया सुल्ताना, विद्याचरण शुक्ला, संजय गांधी, ये जो तिकड़ी चौकड़ी जो थी उसमें जगमोहन भी एक था एज ए IAS ऑफिसर, DDA का चेयरमैन था। इसको पहली बार 1982 में अप्रैल में जगमोहन को गवर्नर का शपथ दिलाई गई। और जैसे ही इसको शपथ दिलाई गई, उसके बाद तुरंत फारूक अब्दुल्ला की गवर्नमेंट को बर्खास्त किया गया। और फारूक अब्दुल्ला के दामाद, उनके बहन के पति दी GM शाह, उनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया। देख लीजिए, कश्मीर का जो इतना सारा, जो मतलब जिसको हम खेल बोलेंगे या जो कुछ हुआ है, इसमें कैसी कैसी तारीखें हैं कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को बर्खास्त किया जाता, एक राज्यपाल को दिल्ली से भेजा जाता जो एक IAS ऑफिसर है, बदनाम है, RSS का स्वयंसेवक है, उसको भेजा जाता है, वो बर्खास्त करता है सरकार को। और 15 अगस्त 1985 को पुलिस फायर ऑन एंटी इंडिया डेमोन्स्ट्रेशन, अब ये एंटी इंडिया कलर लेने लग गया है 85 से, ये कट ऑफ डेट्स है। मैं अग्निहोत्री को इस बहाने अपील करना चाहूँगा, अगर उसको कश्मीर फाइल्स बनानी है, क्योंकि मैं खाली अकेले कश्मीर फाइल को बोलने के लिए नहीं आया आज, बिल्कुल, मैं अग्निहोत्री हो या कोई अनुपम खेर हो या कोई पल्लवी जोशी हो या कोई मिथुन चक्रवर्ती हो या कोई भी हो, महेश भाट या कोई भी, उन सबको मैं कहूँगा, इतना सारा साहित्य उपलब्ध है जितना शायद महाराष्ट्र के ऊपर नहीं होगा, ये सब रहते हुए आप लोग क्यों डिस्टॉर्ट करते हो, लो ना आप ये सब चीज़ें। ये जगमोहन जो 19 जनवरी 1990 को फिर से दोबारा गवर्नर के रूप में भेजा गया था, ये मेंशन क्यों नहीं कर रहा अग्निहोत्री, ये 1982 को अप्रैल में फिर से पहले भेजा गया था, ये वो कल्प्रिट है जिसने फारूक अब्दुल्ला के इलेक्टेड गवर्नमेंट को बर्खास्त किया था, और उसके दामाद को अल्पमत वाला आदमी होने के बावजूद उसको CM बनाया था, ये वो कल्प्रिट है जिस कल्प्रिट को 19 जनवरी 1990 को भेजा गया था, वो तो मैं बाद में आ ही रहा हूँ, इसमें भी आएगा। 15 अगस्त को पुलिस फायर पहली बार एंटी इंडिया डेमोन्स्ट्रेशन वैली में इतिहास के क्रम में हुए है, क्योंकि उससे 11-12 साल पहले मैं वैली में था, मेरा आना जाना रहा है, दूर दूर तक एंटी इंडिया का संबंध नहीं था। ये कट ऑफ डेट है 15 अगस्त 1985। हम सब भारतीय लोगों को अंतर्मुख होकर सोचना पड़ेगा, हमारा कश्मीर बोलने से काम नहीं चलेगा, ये सब इतना सारा जो पानी बहा है झेलम नदी से और दुनिया भर की चिनाब से और जो भी है वहाँ के लेकों से, ये सब आपको ध्यान में लेना होगा। और चंद दिनों के भीतर 1886 में 7 मार्च को वही शाह गवर्नमेंट को डिसमिस भी किया जाता है। मतलब खेल देख लीजिए कश्मीर की पॉलिटिक्स के साथ का। 25 जुलाई 1986 को JKLF चीफ अमानुल्लाह डिपोर्टेड फ्रॉम लंदन। अमानुल्लाह खान नाम का एक सेपरेटिस्ट लीडर है जो आज़ाद कश्मीर की मांग करने वाला, जो लंदन से पाकिस्तान आता है। 7 नवंबर फारूक रिटर्न्स टू पावर, 7 नवंबर फारूक अब्दुल्ला, क्योंकि उसी की मेजॉरिटी थी। मतलब देख लीजिए कैसा खेल होता है, किस ढंग से एक इलेक्टेड लोकप्रतिनिधि कायदा है, सब कुछ है, असेंबली है, कानून है, लेकिन कैसा कैसा खेल किया गया, ये दुलाद साहब भी अपनी किताब में लिख रहे हैं, और ये हमारी मित्र नंदिता अक्सर भी अपनी सब किताब में लिख रही है, ये सब हिस्ट्री मौजूद है, ये लोग देख सकते हैं अपने। और ये बलराजपुरी साहब सोशलिस्ट पार्टी के, ये खुद ये सब चीज़ें लिख रहे हैं, जिनको जवाहरलाल नेहरू कश्मीर के इश्यू के बारे में सतत संपर्क करते थे, जिनकी सलाह लेते थे, ये वो आदमी है। ये मीटर है कि किस ढंग से कश्मीर के लोग या पंडित, जिन पंडितों को लेकर छाती पीट के ये सिनेमा या डॉक्यूमेंट्री की जो बात कर रहे हैं ना, पंडितों की मानसिकता क्या बोलते हैं मुझे पंडित, नगरौटा से लेके, जागती से लेके, मिश्रीवाला से लेके,
मैं सभी कैंपों की बात कर रहा हूँ, मेरा पूरा दिन एक एक दिन इनमें मैंने गुजारा है। खैरनार साहब, उनको लगा मेरा हब भाई का कुर्ता देख करके मैं नरेंद्र मोदी का काउंटर पार्ट हूँ। आप कश्मीर चलने की बात मत कीजिए, आप हमारा ये रोज का भत्ता बढ़ा दीजिए, पर पर्सन 2,500-3,000 रुपये मिलता, उसको थोड़ा और 1,000-2,000 बढ़ा दीजिए, हमको कश्मीर में वापस आना नहीं। अंजलि कहती है, हम पंडित लोग 5,000 साल से ज्ञान के मक्तेदार लोग हैं, हमारा ज्ञान में ही तैरना, संस्कृत से लेकर अंग्रेजी तक का हमारा ज़िंदगी का सफ़र है, हमारे बच्चे MBA, इंजीनियरिंग, मेडिकल, अरे जितने कश्मीर में, बोले आपको कश्मीरी पंडित नहीं मिलेंगे, उससे बड़ी संख्या में कश्मीर के लोग विश्व के हर देश में बोले झंडा फहरा रहे, ये वर्षन है इनका। दिल्ली की ब्यूरोक्रेसी की आप लिस्ट निकालो, ISIPS की लिस्ट निकालो, IB और रॉ के हेड्स की लिस्ट निकालो। पहले रॉ के हेड काव नाम के थे, कौन लोग है? मेजॉरिटी लोग हमारी दोस्त नंदिता के पिताजी PN अक्सर, JNU के पहले चेयरमैन भी थे, भारत के हाई कमिश्नर भी थे, BK नेहरू, कौन है ये सब लोग? और इस ढंग की कौम को आप एक फिल्म में इस ढंग से ये बता के, उसी कश्मीर में उससे ज़्यादा संख्या में मुसलमान भी मारे गए। मेरा नाम सुरेश खैरनार है, मुझे किसी एक कौम की साइड लेने का कोई कारण नहीं है। अगर आपको फिल्म बनानी है, 4 गुना ज़्यादा संख्या में मुसलमानों को कश्मीर से निकालना पड़ा है, और उन्हीं कॉलोनीज में है, कश्मीरी पंडितों के साथ है, दे आर वेरी मच विद देम, ऐसा नहीं कि उनकी अलग कॉलोनी है, मैं उनसे मिल के बात कर रहा हूँ प्रीतम जी, और ये सब लोग कश्मीर का वर्तमान झंझट में, आपको कोई भी अखरोट बेचने वाला, कोई भी शिकारा चलाने वाला, कोई भी मामूली सा होटल चलाने वाला आपको क्या बोलता है कि ये सब कुछ बकवास है, हमको तो सिर्फ 2 समय की रोटी की ज़रूरत है, और उसके लिए जो कुछ चलता है जिसके कारण महीना महीना बंद हो जाता है, हमारा पापी पेट का सवाल है साहब। राजनीति वालों की राजनीति चलती है और हम उसमें पीछे जाते हैं। ये मेजॉरिटी कश्मीरी लोगों की जबान की बात कर रहा हूँ मैं, आज मैं जानबूझकर कश्मीर फाइल्स के ऊपर, कश्मीर के ऊपर मेरी जान तिल तिल टूटती है, मेरा एक पैर कश्मीर में रहता है। कल ही मुझे ऋषि परवेश नाम के एक पत्रकार मित्र का फ़ोन था, जनाब बर्फबारी कम हो गई, अब तो थोड़ा टेम्परेचर भी बढ़ गया है, आइए आप, क्योंकि मैं 317 हटाया तब से जाने की कोशिश कर रहा हूँ, अब वो बार बार मांग कर रहे, इंडिपेंडेंट पत्रकार है, कश्मीर के प्रेस में कुछ उनका स्थान भी है। मेरा दिल जार जार टूटता है, हमको कश्मीर, कश्मीर के लोगों के साथ चाहिए, हमको कश्मीर, कश्मीर के लोगों का दिल जीत के चाहिए, जो कि इतने सालों में ये कोशिश न कांग्रेस ने की, न वर्तमान तथाकथित भारतीय जनता पार्टी ने की, और न जनता पार्टी, न और किसी पार्टी ने की। कश्मीर यानी हम एक हमारी जागीर मान के चलते हैं, और इसलिए कश्मीर का जो मसला है, ये जो 1987 से जो बिगड़ा है, वो जो शुरू होता है उसके बाद से आप पूछिए मत, तो इसलिए मारे जाने के बारे में आप किसी एक नाम को या 2 नाम को ये जो आप बोल देते हो, ये बेईमानी है। इस ढंग से आप इतिहास के साथ खिलवाड़ करके, तोड़ मरोड़ के उसको आप जो ये कर दे रहे हो, कश्मीरी पंडित 399, लेकिन कम से कम 30,000 से 40,000 below 30 कश्मीरी मुस्लिम बच्चे गायब है। ये माताएं रो रो के बोल रही है। परवेज इमरोज नाम के कश्मीर के लॉयर, जो PUCL के अध्यक्ष भी है, परवेज इमरोज के साथ में 2.5-3 घंटा बैठा था। परवेज इमरोज ने बोला है कि खैरनार साहब, जयप्रकाश नारायण वॉज अ लास्ट इंडियन पॉलिटिकल लीडर फॉर कश्मीर, जिसके मन में दर्द था। आफ्टर जयप्रकाश नारायण डेथ, नॉट ए सिंगल इंडियन
पर्सन, भारत में ऐसा कोई भारतीय नहीं है जिसको कश्मीर का दर्द महसूस होता हो, वो एक था जयप्रकाश नारायण जिसको ये दर्द था, ये मुझे परवेज इमरोज बोल रहे हैं। वो मिसिंग पर्सन स्क्वाड के हेड है, और ये कितने हैं विवेक अग्निहोत्री को मैं बताना चाहूँगा, ये 25,000 से 30,000 के ऊपर जनसंख्या है जो बिलो 30 उम्र के बच्चे हैं जो गायब हैं, जो गायब है, और ये उसके ऊपर किताब है, ये माए है, ये बहुएं हैं, ये पत्नियां हैं, ये रो रही है, किसी का पति गायब है, किसी का बेटा गायब है, ये पूरी किताब उससे भरी हुई है। ये महिलाओं के दल ने बनाई हुई, इंडिपेंडेंट कमीशन ने बनाई हुई ये किताब है, किसका किसका आप रोना रोएंगे। और ऐसे कश्मीरी लोगों को घायल करके, जख्मी करके, दिल जार जार करके, ऐसी माओं को आप जब मिलते हो, जब वो अपना आक्रोश रोती है, रेप किए गए हैं, हजारों हजारों बच्चियों को रेप किया गया है, और रेप के बारे में जब हमारे आर्मी अफसरों से हम बात करते तो बोलते क्या करेगा साहब, जवान सातारा से, सांगली से, रोहतक से, यहाँ से, वहाँ से, एक एक साल घर पे नहीं जाता है, क्या करेगा। इस ढंग से एक तरफ हम कश्मीरी पंडितों के लिए आंसू बहा रहे, हम भी बहा रहे, हमें भी सहानुभूति, विश्व के किसी भी कौम को धर्म के कारण, जाति के कारण अपना वतन छोड़ने का नौबत ना आए। लेकिन जगमोहन अपॉइंटेड गवर्नर एंड फारूक रिजाइन्स चीफ मिनिस्टरशिप 19 जनवरी, क्यों नहीं अग्निहोत्री बोल रहे, शर्म आनी चाहिए विवेक अग्निहोत्री को। ये वो डेट है, कट ऑफ डेट, जिस डेट को जगमोहन की एज ए गवर्नर अपॉइंटमेंट हुई है। अब मैं कश्मीर फाइल्स पे सीधा आ रहा हूँ, और यही जगमोहन है जिसने कभी 1982 में आने के बाद फारूक अब्दुल्ला को बर्खास्त किया था, यहाँ फारूक अब्दुल्ला खुद ही रिजाइन कर रहा है। जगमोहन अपॉइंट होता है, वीपी सिंह 9 महीने 8 महीने के लिए प्रधानमंत्री थे, सपोर्टेड बाय बीजेपी, और ये जगमोहन खुद कश्मीरी पंडितों के घरों में जा जाकर बोल रहे हैं कि कुछ देर के लिए आप लोग बाहर आइए, बाहर आ जाइए और हम बाद में आपको बुला लेंगे। इसलिए टेंट बनाए थे, टेंट कपड़े के, टेंट तो टेम्पररी होता है, बर्फबारी में भी नहीं टिकता ना बारिश में, टेंट, और उन टेंटों में उनको शिफ्ट करने के लिए आर्मी के ट्रक, सीआरपीएफ के ट्रक ला के उनको लेके गए, आंग के कपड़ों के साथ में। ये 19 जनवरी जो अग्निहोत्री चिल्ला रहे हैं, तो इसमें का मेन कल्प्रिट का नाम क्यों नहीं ले रहे वो। ये जगमोहन आरएसएस का स्वयंसेवक था, शाखा से आया हुआ था, भले वो आईएएस हुआ होगा, लेकिन इस आदमी ने नाइट लॉन्ग हाउस टू हाउस सर्च इन श्रीनगर, प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट एक्सेसेस ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस, 35 किल्ड। ये घटना के बाद में 20 जनवरी को श्रीनगर में प्रोटेस्ट हुआ, आर्मी हाउस टू हाउस घुसी और कम से कम 35 लोगों को मारा गया, और उसके बाद में 22 जनवरी को 8 लोगों को मारा गया। टोटल जगमोहन आने के 2 दिन के भीतर में 50 से ऊपर लोग मारे गए हैं, ये भी एक इतिहास है। क्यों नहीं कह रहा है विवेक अग्निहोत्री। 13 फरवरी श्रीनगर दूरदर्शन डायरेक्टर कौल को मारा गया, वो तो दिया ही होगा, उन्होंने जरूर दिया होगा। स्टेट असेंबली डिजॉल्व होगा गवर्नर 16 फरवरी को, क्योंकि ऑलरेडी फारूक अब्दुल्ला जनवरी में रिजाइन कर चुके थे, 1 महीना पहले इन्होंने डिसॉल्व किया। और मास एक्सोडस ऑफ कश्मीरी पंडित बिगन्स 1 मार्च, ये 19 जनवरी बोल रहे, 1 मार्च मास एक्सोडस ऑफ कश्मीरी पंडित बिगन्स, 30 किल्ड इन फायरिंग एट झकूरा नियर हजरत बल एंड बरजला बाईपास इन श्रीनगर। 24 मार्च इंडिपेंडेंट XMLA मिस्टर मुस्तफा किडनैप बाय हिजबुल मुजाहिदीन एंड किल्ड इन 28 मार्च, क्यों नहीं कह रहे विवेक अग्निहोत्री। 6 अप्रैल 1990 मुस्लिम कश्मीर यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर दिया, नहीं ये दिया मुशरुल हक, हिज प्राइवेट सेक्रेटरी अब्दुल घनी एंड HMT चीफ मैनेजर HL खेरा किडनैप बाय JK स्टूडेंट्स, खत्म ही हो रहा। फ्रंट खेरा किल्ड ऑन 10 अप्रैल, मुशरुल हक एंड अब्दुल्ला किल्ड ऑन सेम डे। एक हिंदू है, 2 मुस्लिम है, मारे गए ना। 21 मई मीरवाइज मौलवी मोहम्मद फारूक,
मीरवाइज मौलवी के बेटा, मीरवाइज मौलवी मोहम्मद फारूक शॉट डेड फायरिंग ऑन मॉर्निंग प्रोसेशन। उनके मॉर्निंग प्रोसेशन में, उनके अंत यात्रा में 50 लोगों को मारा है। मैं उस ग्रेवयार्ड में विजिट किया हूँ, हजारों समाधियाँ, हजारों मज़ारे बनी हुई है, सिर्फ पुलिस या आर्मी या पैरामिलिट्री फोर्सेस की फायरिंग में मारे गए, जिसमें लोन, जिसमें मुरवेज, सब लोगों की लाशें दफन की गई है। ये गवर्नर जगमोहन को वापस बुलाया 24 मई 1990 को। 19 जनवरी 1990 को ये बंदा आया था और 24 मई 1990 को इसको वापस बुलाया गया। 100-125 दिनों के भीतर का इसका कार्यकाल है, भारत के गवर्नरों में का ये रिकॉर्ड ब्रेक कम कार्यकाल का है, क्योंकि इसकी ये सब करते थे। देखने क्यों बुलाया गया, ये मेरा सवाल है। जगमोहन का नाम विवेक अग्निहोत्री एक शब्द से क्यों नहीं ले रहे? जगमोहन को वापस क्यों बुलाया गया 4 महीने के भीतर? वीपी सिंह वॉज वेरी मच प्राइम मिनिस्टर एंड बीजेपी वेरी मच सपोर्ट। क्यों? जो बीजेपी मंडल कमीशन के या किसी और बात के ऊपर सपोर्ट हटाती है, वो बीजेपी इस मुद्दे के ऊपर उन्होंने भिजवाया, उन्होंने एक काम करवा लिया। और उसके बाद में मैं आता हूँ, उसके बाद तो बीजेपी 2000 के बाद से तो सत्ता में आना शुरू हुई, 6 साल सत्ता में रही। पूर्ण कश्मीर के लीडरों ने मेरे को कहा कि 6 साल के भीतर एक भी पंडितों के रिहेबिलिटेशन का काम नहीं किया, 6 साल के भीतर एक भी पंडित के लिए ढंग का मकान नहीं बनवाया, 6 साल के भीतर एक भी कोई ऐसा प्रतीकात्मक पंडितों के लिए मदद का काम नहीं किया। तिरंगा यात्रा, फलाना यात्रा, ढिमका यात्रा, नौटंकियाँ करते रहे, लेकिन पंडितों के लिए कोई ऐसा कंस्ट्रक्टिव काम एक भी दावा करके छाती पर हाथ रख के बता दे, क्यों नहीं किया गया? उल्टा 2007 में मैंने 2016 में अपनी यात्रा में 2007 में मनमोहन सिंह ने जागती, मिश्रीवाला, नगरोटा 6 कैंप्स में वेल कंस्ट्रक्टेड हाउसेस, पुनः मुंबई की हाउसिंग सोसाइटी भी फीकी पड़ेंगे, ऐसे मकान पंडितों के लिए बनाए हुए देखे, जिन्हें मुफ्त राशन मिलता है, जिन्हें पर पर्सन 2500-3000 रुपये का भत्ता मिलता है, और उस हिसाब से परिवार के अगर 5 सदस्य है तो 3x5 कर लीजिए। ये मैं 16 का फिगर बता रहा, हो सकता है अभी 5 बनाया होगा, कितना बनाया होगा, 15-20-25 हज़ार। और जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनको तनख्वाह चालू है, उनको रिटायरमेंट के बेनिफिट्स है। तो इस ढंग से क्या बोल रहे अग्निहोत्री, क्या बता रहे आप उस ढंग से? बिल्कुल, जगमोहन ने ले जाने के बाद में शुरू में वो तंबू में थे, बिल्कुल सही, हम भी बोल रहे हैं, हमारे भी आंखों में पानी आया था, हमने भी देखा वो सब स्टैंडर्ड हाउसिंग कॉलोनीज। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 2000 से 2006 तक मौका मिलने के बाद में पहला कदम, जिस कश्मीरी पंडितों के ऊपर पूरे भारत भर में राजनीति करने की भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता है, उन पंडितों के लिए खुद भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया ये छाती पे हाथ रख के वो बता दे। ये मुझे कश्मीरी पंडित खुद चिल्ला चिल्ला के बोल रहे, जम्मू में वो जो आए हुए हैं अग्निशेखर से लेके डॉक्टर चौधरी से लेके, मैं सब पदाधिकारियों के नाम लेके बोल रहा हूँ, कश्मीरी पंडितों के वर्तमान जितनी भी तंजीमें हैं सभी पंडित आरएसएस को, बीजेपी को पानी पी पी के गालियाँ देते हुए मैंने सुना हुआ है। और उन पंडितों के ऊपर एक फिल्म बना के एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करके, जैसे आपने कोरोना में भी किया मरकज़ को लेके, जैसे आपने हर बात में हिजाब से लेके कॉमन सिविल कोड से लेके हर बात में आप एक कम्युनिटी को टारगेट करने का जो पॉलिटिक्स है, आपके इरादे ठीक नहीं है। आप जिस ढंग से सत्य को तोड़ मरोड़ के पेश करते हो, ये वाक्य है इसी फिल्म में कि एक बार झूठ चल जाएगा लेकिन सत्य को छुपाना ठीक नहीं है। तो सत्य को छुपाने का विवेक अग्निहोत्री ने फिल्म की शुरुआत ही सत्य को छुपाने से की है। विवेक अग्निहोत्री को सत्य का, सत्यमेव जयते का इतना ही ख्याल था, तो उसने जगमोहन को टाल के फिल्म क्यों बनाई है? ये मेरा आरोप है सीधा, मुझे पूरा डिबेट पता है, लेकिन एक भी डिबेट में ये आरोप अभी तक किसी ने किया हुआ याद नहीं आ रहा
कि जगमोहन को छोड़कर ये फिल्म बनी नहीं सकती है। जगमोहन वाज अ मेन कल्प्रिट, और भारतीय जनता पार्टी 6 साल सत्ता में आने के बाद अगर ठान लेती कि हमको कश्मीरी पंडितों का हर हालत में कुछ कर देना है, हमने उल्टा उस समय किया है। हमने 2006 में कोशिश की है चलो कश्मीर की, हमने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ में डिस्कशन किया है इन सब लोगों के साथ में, इसमें फोटो है। हम लोगों ने कोशिश की है प्रीतम जी कि कश्मीरी पंडितों को एज इट इज उनके घरों में, और सुरक्षा आप दोगे, मीरवाइज उमर फारूक, आर्मी या CRPF नहीं, ये इस भाषा में हमने कहा है, और ये बोल के हम लेके गए थे और वो माने। मीरवाइज उमर फारूक ने एक कमेटी बनाई, सैयद गिलानी, वो सीनियर गिलानी नहीं, एक जूनियर गिलानी, उनके अध्यक्षता में कमेटी बनाई, और ही वॉज वेरी मच इन श्रीनगर, जम्मू श्रीनगर से शिफ्ट होके, और वो मुझे बार बार बोलते रहे कि डॉक्टर साहब मैं आपके कारण मुझे डेपुट किया गया है, और मैं ये डायला कर रहा हूँ। एक लड़का था कश्मीरी पंडित उनके साथ में जो उनको मदद कर रहा था, लेकिन सब प्रोसेस इनके सो कॉल्ड पॉलिटिक्स में ये लोग कैसे ध्वस्त करते हैं, ये क्रोनोलॉजिकल हमारे बलराजपुरी साहब भी इसमें लिख रहे हैं। और एकता यात्रा वो निकालने के लिए BJP प्रेसिडेंट मुरली मनोहर जोशी को समय है, लेकिन उनकी सत्ता है उसके लिए उनको समय नहीं है। एकता यात्रा निकाली, तिरंगा यात्रा निकाली, लाल चौक में झंडा फहराने का नाटक किया, लेकिन इस ढंग से उधर से भी पीस मार्च निकला था अमानुल्लाह का, जो पाकिस्तान ने रोका था 11 फरवरी 1992 को, वहाँ पर भी कुछ लोग मरे थे पाकिस्तान के आर्मी की तरफ से। 14 अप्रैल बाबा साहब का जन्मदिन 1992, 14 civilians killed by CRPF इन रिटेलिटरी एक्शन आफ्टर द कमांडेंट एंड डेप्यूटी कमांडेंट वेयर इंजोर्ड इन द मिलिटेंट्स। 15 मई 7 killed in clashes between, मतलब ये पूरा सिलसिला क्यों नहीं दे रहे विवेक अग्निहोत्री? कोई बहुत बड़ी किताब नहीं है ये, किताब के पन्ने हैं कुल मिलाकर सिर्फ 93 पन्ने की किताब है, और 2-3 पन्नों की क्रोनोलॉजी है, घटनाक्रम है पूरा। 93 पन्ने पढ़ने के लिए विवेक अग्निहोत्री को या अनुपम खेर को, इनको किसी को भी कितना समय लगता था। कश्मीर टुवर्ड्स इंसर्जेंसी नाम की, ये बलराजपुरी साहब की, जो कश्मीर के सबसे बड़े अथॉरिटी माने जाते हैं, जिनको जवाहरलाल नेहरू भी कंसल्ट करते थे, इंदिरा गांधी भी करते थे, अभी अभी मरे वो, 90 वगैरह क्रॉस करके गए हैं, 2006 में भी जिंदा थे जब मैं गया तब, बीमार थे थोड़े क्योंकि वो 90 पार कर चुके थे। आज शायद उनकी शताब्दी का भी साल शायद चल रहा होगा या हो गई है। ऐसे लोगों का ये सब लिखा हुआ साहित्य रहने के बावजूद, राम रतन चटर्जी है, बंगाल के हैं, और इन्होंने तो कम से कम 500 पन्ने खर्च किए हैं, जो मुझे अभी दी गई है बुक फेयर में, अभी मेरे एक दोस्त ने दी है, ये राम रतन चटर्जी, अभी लाया हूँ मैं, अभी पूरा देखा नहीं मैं उसको। और इसके अलावा राजकिशोर जैसे, आपके जैसे पत्रकार लोगों ने कश्मीर का भविष्य नाम से कम देश के जाने माने ऐसे हमारे जैसे जो लोग जानकार लोग हैं, उन लोगों के कम इतने सारे लेखों का बंच इन्होंने बनाया हुआ है, और ये सब साहित्य है। नंदिता अक्सर ये कश्मीरी पंडित महिला है, पाकिस्तान से आए हुए हिंदू माइग्रेटेड ऑफिसर है, ये सब चीज़ें रहने के बावजूद आप एक कश्मीर फाइल्स नाम से इस ढंग से एक तरफा फिल्म बनाते हो, इस ढंग से वायलेंस और इस ढंग से बातों को क्रिएट करते हो, जिसमें मुसलमान का भी हाल हुआ है, कई लड़कियों का भी रेप हुआ है, कई सारे और भी सारे ऐसी बातें हैं। तो मैं तो उम्मीद करूंगा कि विवेक अग्निहोत्री का दिल में अभी भी कुछ अगर कुछ शेष बाकी होगा, कोई बात नहीं, एक प्रयत्न उन्होंने अगर किया है किसी को खुश करने के लिए, लेकिन सिनेमा की नाटक की डिसिप्लिन का ब्लंट वायलेशन किया। बिल्कुल, वायलेशन पे मैं आऊँगा इस फिल्म में। और एक बहुत बड़ी बात है, JNU का विरोध तो हमेशा से संघ वाले करते आ रहे, BSP और BJP वाले और हिंदूवादी संगठन JNU का विरोध करते आ रहे। इस फिल्म में
जेएनयू को टारगेट किया गया, वहाँ के प्रोफेसर्स को टारगेट किया गया, और ये बताने की कोशिश की गई कि जेएनयू के जो प्रोफेसर्स हैं, जो खुद को सेकुलर समझते हैं, वो कश्मीरी युवाओं को भड़काते हैं, वहाँ के मिलिटेंट्स के साथ उनके संबंध है, वहाँ के अलगाववादियों के साथ उनके संबंध है, और ये सारे जेएनयू के प्रोफेसर कश्मीर भारत में लाने का विरोध करते हैं और कश्मीरियत को बढ़ावा देते हैं। क्या यह घटनाक्रम जो अग्निहोत्री ने दिखाया, इसमें कोई वास्तवता है या पूरी की पूरी फिल्म झूठ का पलौंदा है? अभी तक के मेरे वक्तव्य में जो कुछ था, लगभग इसी रंग का स्टैंड रखने वाले वो लोग हैं। पल्लवी जोशी का रोल करने वाली जो है वो मेरी मित्र है निवेदिता मेनन, जो वहाँ प्रोफेसर है। उसके पति आदित्य निगम, योगेंद्र यादव और वो लोग जो CSDS करके संस्था का नाम सुना होगा आपने, उसमें वो प्रोफेसर है और निवेदिता, उनके घर में मैं पटपटगंज आते जाते रहता हूँ। इस ढंग से मेरा उनसे रिश्ता है 30-40 सालों से। मैं उनको नस नस जानता हूँ। वो इसी डिसिप्लिन के लोग हैं जिस डिसिप्लिन के बलराजपुरी हैं, वो इसी डिसिप्लिन के लोग हैं जिस डिसिप्लिन का मैं भी हूँ। हमारा कुनबा लगभग एक जैसा है। हम लोग प्लेबिसाइड की बात करने वाले, हम लोग कश्मीर के जनमत संग्रह की बात करने वाले, क्योंकि जो आपका कश्मीर के साथ का अकॉर्ड है, आपका एग्रीमेंट है, जो मैंने पढ़ के बताया, इसमें से आज सबसे ज़्यादा समय कश्मीर के उस हिस्ट्री को मैंने लगभग सब 200 सालों का या 500 भी सालों का कहा तो भी गलत नहीं होगा, वो बताने की इसलिए कोशिश की, ये हम रखने वाले लोग हैं। कश्मीर की वास्तविकता क्या है ये रखने वाले लोग हैं, कश्मीरियत क्या है ये रखने वाले लोग हैं, हजरत बल से लेके चराले शरीफ तक की परंपरा रखने वाले लोग हैं। अब इस ढंग से बैलेंस करके बातें रखने में गलत क्या है? और आप अगर मेजॉरिटी की बात करते तो 80-90% तो वहाँ मुसलमान ही है, पहले भी थे आज भी है। तो उस हिसाब से आप जनतंत्र का अगर तकाजा की बात करते हैं तो वहाँ पर तो उस ढंग से, फिर आपने महबूबा मुफ्ती के साथ गवर्नमेंट किस आधार पर बनाई थी, और राम माधव थे उसके आर्किटेक्ट, RSS के सो कॉल्ड आइडियालॉग बौद्धिक प्रमुख, जो आज राज्यसभा में मेंबर है, जो RSS के स्ट्रेटेजिक भी BJP के स्ट्रेटेजिस्ट भी माने जाते हैं, महबूबा मुफ्ती के साथ का कॉमन आपका क्या था, किस लिए गवर्नमेंट बनाई थी आपने? तो आप जो करते हैं वो सब कुछ पवित्र है, लेकिन JNU अपवित्र है, लेकिन कोई इस ढंग की बात करें वो अपवित्र है। JNU ये भारत का वो प्राइम इंस्टीट्यूट है जिस इंस्टीट्यूट ने भारत को एक से एक बेहतरीन ब्यूरोक्रेट्स, एक से एक बेहतरीन बुद्धिवादी लोग, एक से एक बेहतरीन एकेडमिशियन दिए हैं। ये वो जगह है जो भारत के अभिव्यक्ति की, जिसकी मोदी जी इस सिनेमा के बहाने बात कर रहे ना, अभिव्यक्ति का सही केंद्र अगर कोई है तो वो JNU है, जिसको कुचलने का 2014 में आते ही आपने शुरुआत की थी। अभिव्यक्ति के बारे में नरेंद्र मोदी जी को अगर सचमुच साक्षात्कार हुआ है, एहसास हुआ है, तो मैं दुआ करूँगा कि JNU के बारे में भी उदारता से सोचे। नजीब नाम का जो बेटा गायब हुआ है एक माँ का, वहाँ पर मेरे बेटे का ही सब्जेक्ट है, माइक्रोबायोलॉजी का स्टूडेंट था, बायोटेक्नोलॉजी का, वो गुजरात की नदी है, उसके नाम से वो जो हॉस्टल है तापी, उसी माही नाम के हॉस्टल से गायब किया गया है। मैं विजिट किया उसके कमरे को, वो भी वापस आ जाए तो बड़ी बात होगी। वो तो बेचारा मर ही गया, वेमुला दलित बच्चा हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का। तो अभिव्यक्ति की अगर नरेंद्र मोदी जी को 8 साल के पश्चात अगर उनका मन मैच्योर बनाए, देश विदेश के राजनेताओं से मिलने के कारण वो शायद थोड़ी बड़ी सोच सोचने लगे हैं, तो मैं उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी की भावना का आदर करके उनसे उम्मीद करूँगा कि सही माने में अभिव्यक्ति की आज़ादी हर एक तरह के लोगों को दी जानी चाहिए। JNU अभिव्यक्ति का भारत का वर्तमान सबसे बड़ा प्रतीक है। तो नरेंद्र मोदी जी को अभिव्यक्ति की अगर आज याद आई है तो उन्हें मैं ये याद दिला दूँ, अभिव्यक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक JNU है, और उस JNU को बदनाम करने का लगातार कोशिश संघ परिवार का और अग्निहोत्री का भी इस फिल्म के द्वारा गलत है। JNU का अपमान है। भारत का एक ऐसा विद्यापीठ है जिस विद्यापीठ को आप एक ऐसी इसके द्वारा कलाकृति के द्वारा, और जिसको 18 घंटे काम करने वाले प्रधानमंत्री को 3 घंटा निकाल के देखने का समय मिलता है,
बिल्कुल उस पर आएंगे। जेएनयू की बात हुई है लेकिन इस फिल्म में मनुस्मृति को प्रमोट किया गया है। ये कहा गया है कि संविधान से भी बड़ी अगर कोई स्मृति है तो वो मनुस्मृति है और उसके आधार पर आने वाला भारत चलना चाहिए। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। दूसरा, मैं अंत में हूँ इस चर्चा के, एक बात है। दूसरा बात है, क्या ऐसी फिल्मों के जरिए या इस फिल्म के जरिए हिंदू मुस्लिम करके 2024 को फिर से एक बार प्राइम मिनिस्टर बनने का क्या सपना बीजेपी देख रही है या नरेंद्र मोदी देख रहे हैं? क्योंकि उन्होंने, जैसे आपने कहा, 18-18 घंटे में से भी वक्त निकालकर ये 3 घंटे की मूवी देखी और बाकायदा लोगों को कहा कि इस तरह की मूवी आनी चाहिए, ये भी कहा कि इस तरह की मूवी देखनी चाहिए। इस तरह के मूवी के जरिए आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल, तमाम हिंदुत्व वाली संगठना हिंदू मुस्लिम कर रही है और आने वाली 24 की तैयारी कर रही है और मनुस्मृति को बढ़ावा दे रही है। अंतिम प्रश्न है, क्या कहेंगे आप? मैंने कहा ना कि ये फिल्म नहीं, ये डॉक्यूमेंट्री है। ये भारतीय जनता पार्टी को या संघ परिवार को प्रोजेक्ट करने के लिए एक बनाई गई डॉक्यूमेंट्री है। इसको फिल्म का दर्जा देना, मैं तो फिल्म एसोसिएशन ऑफ इंडिया को भी लिखने वाला हूँ कि इसको फिल्म नहीं माना जाए, एक डॉक्यूमेंट्री है। एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को प्रचार के हिसाब से मनुस्मृति की जो आपने बात की, 4 हफ्ते के बाद में बाबा साहब का जन्मदिवस आने जा रहा है, जिस मनुस्मृति को जलाने का काम इस देश को संविधान देने वाला ड्राफ्टमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसका जन्मदिवस जोर शोर से मनाएगी भारतीय जनता पार्टी भी, शर्म आनी चाहिए वर्तमान सेंसार बोर्ड को कि जो मनुस्मृति का समर्थन करने वाली फिल्म को मान्यता देता है। ऐसी कितनी फिल्में, कितने नाटकों को आपने बैन करके रख दिया है। आप अगर इस फिल्म के द्वारा, मैं कहता हूं कि ऐसी फिल्म के ऊपर अविलंब बयान आना चाहिए, क्योंकि मनुस्मृति भारत का एक ऐसा लज्जास्पद ग्रंथ है जिससे हमारी सबकी गर्दन नीचे होती है। ऐसी अमानवीय बातें हैं, महिलाओं के लिए है, अन्य जातियों के लोगों के लिए है, दलितों के लिए है, और ऐसी कलाकृति का, ऐसी किताब का, ऐसे ग्रंथ का अगर किसी फिल्म के द्वारा प्रमोशन होता है तो ये 100% आरएसएस का एजेंडा है। जिस आरएसएस ने 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने जिस दिन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में भारतीय संविधान की घोषणा की थी, उसके दूसरे दिन से 3 आर्टिकल्स है ऑर्गेनाइजर नाम के आरएसएस के मुखपत्र में, हमें 5000 साल से पुरानी मनुस्मृति चाहिए, भीमस्मृति नहीं चाहिए। ये भीमस्मृति देश विदेशों के संविधानों के नकल करके बनाई गई है। हमारी अपनी विशाल सांस्कृतिक परम्परा वाली मनुस्मृति ही हमारा संविधान हो सकता है। ये गोलवलकर, ये अभिनव भारत जो वर्तमान में प्रज्ञा सिंह वहाँ बैठी हुई है करुणा पुरोहित, और ये संघ परिवार का हमेशा का मनुस्मृति का महिमा मंडन का रट रहा है। तो विवेक अग्निहोत्री ने जाने अनजाने में संघ का एजेंडा ही रखने का काम करके प्रोजेक्ट कर दिया है, जिस मनुस्मृति में इस देश के 85% लोगों को कोई स्थान नहीं है। इस देश के आधी आबादी महिलाएं, जिसमें पल्लवी जोशी भी आती है और जिसमें निर्मला सीतारमण भी आती है, जिसने इस फिल्म के बारे में कल पार्लियामेंट में बात की है, उन्हें कोई स्थान नहीं है। ये सभी अंगूठे से पैदा हुए हैं। मनुस्मृति के अनुसार स्त्री शूद्र ये एक ही दर्जे के लोग हैं और ये अंगूठे से पैदा हुए हैं और इनका दर्जा वही रहेगा। इसलिए स्त्रियों को भी पढ़ने की अनुमति नहीं है, स्त्रियों को भी कोई संस्कृति या कोई ग्रंथ या वेद उपनिषद पढ़ने की। इसीलिए बाबा साहब ने उस कृति को जलाने का पहला सत्याग्रह उनके लाइफ का कोई है तो मनुस्मृति का है, और उस मनुस्मृति को लाने की, उसका मेमोरेंडम करने की बात किसी एक फिल्म के द्वारा अगर होती है तो ये क्लियर कट मैसेज दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी या संघ परिवार अब खुल के, आपने जैसा इशारा किया कि 2024 ने, मैं 2025 बोल रहा हूँ, 2025 में आरएसएस को 100 साल पूरे हो रहे हैं। जिस हिंदू राष्ट्र का सपना संस्थापक लोगों ने देखा था मुंजे से लेके हेडगेवार से, और जिसको 30 साल तक प्रमुख बन के गोलवलकर ने जिसको आकार दिया बंच ऑफ थॉट और वी हू द नेशन डिवाइड करके लिख के, उसको ले जाने का भारत के 80-85-90% बहुजन समाज को आप सोचना है। सवाल खाली मुसलमानों का नहीं है, सवाल दलित, ओबीसी, महिलाएं सबके मिलके सोचने का, जिसमें स्मृति ईरानी का भी समावेश होता है, जिसमें निर्मला सीतारमण का भी समावेश होता है, और जिसमें मिसेस फडणवीस और मिसेस गडकरी का भी समावेश होता है, जो इस देश की आधी आबादी है। वो मनुस्मृति का महिमा मंडन
एक फिल्म के द्वारा होता है, इससे ज़्यादा भयावह बात, इससे ज़्यादा भयंकर बात कोई हो नहीं सकती। और ये आने वाले 2024 के इलेक्शन का एक संकेत है कि जो नग्न रूप से हिंदुत्व का खेल खेल के आएगा, तो इसलिए हिंदुत्व से जो जो लोग, ये हिंदुत्व सिर्फ 3.5% 3.5 इन लोगों का हिंदुत्व है, बाकी लोगों को उनका खाली नौकर चाकर बन के रहने वाली सुविधा वाली स्थिति है। अब ये स्वीकार नहीं या अस्वीकार कर दें, ये आप लोगों के हाथ में है। अन्यथा कश्मीर फाइल्स जैसी गुजरात फाइल्स की भी इजाज़त अगर मिलती है, अगर वो इसी ढंग से बगैर सेंसर से बाहर आती है, तो फिर मुकाबला बराबरी का हो जाएगा और पता चल जाएगा कि असल में असलियत क्या, हम लोगों पे छोड़ देते हैं। बिल्कुल, हम लोगों पे छोड़ देते हैं। जिस तरह से कश्मीर फाइल आई है और हमने तमाम इतिहास को देखा है, पढ़ा है, और इस पूरे चर्चा में, इस पूरे कैरनार साहब की इंटरव्यू में क्रोनोलॉजी भी पड़ी है कि किस तरह कश्मीर, और हम फिल्में जब देखते हैं तो ये लगता है कि ये पूरा का पूरा कश्मीर फाइल, जो अग्निहोत्री, जो अनुपम खेर, जो पल्लवी जोशी और उनके पीछे RSS और तमाम लोगों ने इस फिल्म को बनाया है, एक प्रोपोगंडा है, ये झूठ का पलोंदा है, ये बिल्कुल कश्मीर का इतिहास नहीं है, ये कश्मीर के लोगों के इतिहास नहीं है, और ये कश्मीर पंडितों के साथ भी एक अन्याय है। इतने सालों से पहले वाजपेयी के 7 साल और उसके बाद अब ये 8 साल, पूरे 16-15 साल बीजेपी की सरकार होने के बावजूद, और कश्मीर के पंडितों पर राजनीति करने वाले पार्टी, उनको 16 साल मिले और ये एक भी कश्मीर पंडित और उन लोगों का रिहैबिलिटेशन नहीं कर पाई, उनको बसा नहीं पाई, और सिर्फ राजनीति कर रही है। इस फिल्म के ज़रिए हिंदू मुस्लिम करके 2024 के इलेक्शन का जो एजेंडा है उसको अभी से रचा जा रहा है। खैरनार साहब, आपने वक्त निकाला, इतना आपका कश्मीर के साथ संबंध रहा है, आपने इतना पढ़ा है और इन सब अनुभव को आपने यहाँ उद्घोषित किया और जनता को सामने सच लाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया TV।